मीरा माझी और सूरज माझी आजकल किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे तो इनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और इनके यहाँ बकायदा चाय भी पी थी। हम आपको दिखाएंगे जिस कफ में उन्होंने चाय पी थी, उन्होंने बकायदा अपने मंदिर में हनुमान जी के चरणों में उसे स्थापित किया है और माला भी पहनाया हुआ है। इसके बाद फिर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 9 वर्ष पर इनको ये सारे तोहफे दिए गए हैं। तोहफे में बैग है, मिठाई है, तमाम खिलौने हैं। तो कुल मिला के इनको नए वर्ष पे एक सौगात भी उन्होंने दी है। और अब चूंकि हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या रहा, मोदी जी सबसे पहले आए थे जब 30 तारीख को आप तो चाय पिया था, उसके बाद भी क्या हुआ? जी मुझे बहुत अच्छा लगा वो हमारी गरीब कुटिया में पधारे, बहुत खुशी हुई जी। और कुछ नए साल में शुभकामनाएं भेजी और हमारे बच्चों के लिए खिलौने जी। अच्छा मोदी जी जब आए थे, जाने के बाद आपका कौन सा ऐसा काम था जो रुका हुआ था, हो गया अचानक? हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ था, वो हमारा बन गया। और हमारे बच्चे लोगों का राशन पे नाम नहीं चढ़ता राशन कार्ड पे, वो हमारा हो गया जी। अच्छा एक बार आप जो है सामान दिखा दीजिए, क्या क्या मिला हुआ है वो बता दीजिए जी। यही बैग है बीर के लिए आया है, और ये बैग नैना के लिए आया है, और ये कप प्लेट हमारे लिए आया है, और वो एलिफेंट नैतिक के लिए है जी, और एक पत्र है जी। कितना खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इनके यहाँ पहुंचे, उसके बाद फिर इनको बकायदा उपहार भी भेजा, तो इसको लेकर इनमें खासा उत्साह है और ये जो है खुशी से गदगद है। इनका ये कहना है कि इनके साथ साथ इनके बच्चों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उपहार भेजा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत है, इनके साथ संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।